ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान और भक्त के भावपूर्ण रिश्ते की आत्मीयता साक्षात देखने को मिली। अस्सी घाट स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को जेठ मास की तपिश से निजात दिलाने के लिए गंगा जल से स्नान कराया गया। सुबह से शाम तक भक्तों के स्नान के कारण भगवान की तबीयत बिगड़ जाएगी और रथयात्रा के परंपरागत लोकाचारों के अनुपालन में वह 14 दिनों के विश्राम पर जाएंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर शुक्रवार को प्रभु जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र को मंदिर के गर्भगृह की छत पर उत्तर पूर्व स्थित स्नान वेदी पर विराजमान कराया गया। सूर्योदय के साथ तीनों विग्रहों का सविधि पूजन अर्चन हुआ। आरती के बाद पंच पल्लव मिश्रित गंगा जल के 108 मटकों से स्नान कराया गया। इसके बाद भक्त प्रभु को स्नान कराएं, स्नान करते करते रात तक प्रभु बीमार हो जाएंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान 15 दिनों तक आराम करेंगे। 5 जुलाई तक मंदिर कपाट बंद रहेंगे। इसके बाद श्वेत वस्त्र में भगवान जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्र भक्तों को दर्शन देंगे। प्रभु के प्रकट होने पर मंगला आरती स्तुति भजन के साथ ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होगा। इसके बाद 8 बजे नैवेद्य स्वरूप परवल का रस दिया जाएगा। 6 जुलाई को भगवान के विग्रहों को डोली में विराजमान कर यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान को भक्तों द्वारा अभिषेक और स्नान यात्रा कराई जाती है, जिससे भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ हो जाने के बाद 14 दिन तक भगवान दर्शन भक्तों को नहीं देते हैं और जो काढ़े का भोग लगता है वही प्रसाद भक्तों को वितरित होता है। अमावस्या को भगवान प्रकट होते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और उनको पूरी और सब्जी का भोग लगता है। इसके बाद काशी में भ्रमण करने के लिए भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।